हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित, आपका दोस्त, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने आइडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमें ऐप का नाम रखते समय हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नोटपैड में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, मैं आपके एक एक पॉइंट शेयर करता हूँ। आप इस पॉइंट को फॉलो करोगे तो आपका ऐप का नेम एकदम सिंपल एंड सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, सिंपल। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ही सिंपल रखा, क्यों? एग्जाम्पल के समझते हैं, टिकटॉक। टिकटॉक कितना नेम एकदम सिंपल है, अभी तो बैन हो चुका है बट अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं। टिकटॉक कितना एकदम सिंपल नेम, मीन्स कोई भी प्रोनाउंस कर सकता है। एंड जैसे कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, कोई चाइल्ड है, वो इजीली प्रोनाउंस कर सकता है एंड वो किसी को भी ध्यान में रह सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है एकदम सिंपल आपका ऐप का नेम रहना चाहिए। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, सिमिलर नेम। आपको किसी का भी नेम एकदम सिमिलर नहीं लगता है। जैसे हम अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं टिकटॉक का, जैसे ऑलरेडी टिकटॉक है तो आपको टिक टिक नहीं रखना। अगर आप सपोज टिक टिक रख देते हो, अगर गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च कर देते हो टिकटॉक, तो क्या कर लगेगा, जो भी गूगल प्ले स्टोर का एल्गोरिदम है उसको लगेगा आप टिकटॉक सर्च कर रहे हो। अगर आप टिक टिक भी रख रहे हो एंड कोई भी यूजर आके टिक टिक भी सर्च कर रहा है, तब भी आपका सर्च रिजल्ट में टिक टिक नहीं आएगा, तो टिकटॉक ऐप आएगा एंड जो भी आपका यूजर रहेगा वो टिकटॉक ऐप में चला जाएगा। मीन्स आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका यूजर है जो आने वाला था, आप उसको किसी भी अनदर एप्स में रिडायरेक्ट कर रहे हो। इसलिए आपको ध्यान में रखना है किसी भी ऐप का नेम सिमिलर नहीं रखना है। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कैटेगरी वाइज। आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कोई व्हाट्सअप ऐप है, तो जैसे व्हाट्सअप हमें क्या लिखना है, डैश मैसेजिंग ऐप। क्यों? क्योंकि कैटेगरी से समझ में आ रहे हैं हमें कि ये कौन से ऐप है। जैसे मैसेजिंग ऐप है हमें, ऐसे जैसे ऑनलाइन तैयारी हमें क्या करना है, जैसे कैटेगरी हमें उसी का नेम रखना है। अगर आप वैसा करते हो तब भी आपका ऐप का नेम बेस्ट रह सकता है। अभी हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, डोंट सेम। तो देखो, किसी का भी नेम एकदम सेम नहीं रखना है। जैसे ऑलरेडी कोई भी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड जो जिसका ऑलरेडी टाइटल है उसका जैसे का कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी एंड पेस्ट करोगे तो भाई 100% आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है किसी का भी ऐप का नेम सेम या फिर कॉपी नहीं करना है। अभी हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, यूज कीवर्ड्स। तो देखो, अगर आपको एप्स को रैंक करवाना है तो आपको कीवर्ड्स इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, व्हाट्सअप डैश मैसेजिंग ऐप। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने कीवर्ड्स यूज किए। व्हाट्सअप तो कीवर्ड नहीं है बट मैसेजिंग ऐप इसमें कीवर्ड है। अगर आप कीवर्ड यूज करोगे अपने टाइटल में तो आपका ऐप 100% रैंक करेगा। तो आई होप मैंने जो भी आपको 5 पॉइंट बताया आपको समझ में आओगे। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, एकदम सिंपल रखना है, किसी का भी नेम सिमिलर नहीं रखना है एंड कैटेगरी वाइज आपको नेम दे देना है एंड किसी का भी नेम आपको कॉपी नहीं करना है या फिर किसी का भी नेम एकदम आपको जैसे का वैसा कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। और सबसे लास्ट बात कि आपको अपने टाइटल में कीवर्ड यूज करना है। तो आई होप गाइस जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।